प्रक्रिया बंद है। 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर की शुरुआत चालू है। हम लोग आज बिहार प्रांत के भोजपुर जिला के उदवंत नगर प्रखंड के ऐतिहासिक बामपाले ग्राम में कर रहे हैं और पूरे श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ आज अंग्रेजी साल 2019 का शुभारंभ है और आज 1 जनवरी को हम लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और सभी लोगों को हम 5 दिनों तक लगातार योग आयुर्वेद के बारे में बताएंगे और गांव में जितनी प्रकार की समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के उन सभी समस्याओं का हम निराकरण करेंगे योग के माध्यम से। और आजीवन यदि योग किया जाए तो हम लोगों को कभी न डॉक्टर का मुंह देखने को मिलेगा और ना कभी अस्पताल जाने की नौबत आएगी। तो भाई सीधे बैठ जाइए। आँख बंद करिए और भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए, सबकी आंखें बंद हो। सबकी आंखें बंद हो, धीरे धीरे मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। 5 सेकंड तक सांस को फेफड़े में डायफ्राम में भरना है और 5 सेकंड तक फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। सांस लेते समय मन में शुभ संकल्प, शिव संकल्प कहते हैं इसे, हे परमात्मा, हे प्राण देवता, हमारे शरीर के अंदर में शुभ संस्कारों का, दिव्य शक्तियों का धीरे धीरे प्रवेश हो रहा है और जब सांस को छोड़े तो ऐसा लगे कि मेरे भीतर के सारे विकार हमसे दूर हो रहे हैं। हमारे अंदर भगवान कृष्ण और राम का खून बह रहा है। हम भगवान कृष्ण की सौगंध खा के कहते हैं, हम अपने पूर्वजों की सौगंध, जैसा आप जीवन जीते थे, जैसा भगवान कृष्ण का जीवन था, जैसा उनका भोजन था, जैसा उनका आचरण था, यदि उसी प्रकार का भोजन, उसी प्रकार का आचरण, उसी प्रकार का यदि हमारा जीवन हो जाए तो हमारे अंदर भी कृष्ण तत्व विराजमान है, हम भी कृष्ण के स्वरूप में आ सकते हैं। इसलिए अपने पूर्वजों को एक बार याद करते हुए हम अपने जीवन में कभी भी अशुभ घटनाओं से घटित होने के लिए कोई जगह ना देंगे और हमेशा दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ करके प्राणों की आराधना करने की जो कला है, जो विद्या है भस्त्रिका प्राणायाम, इसे 5 मिनट हमें करना है। आँख खोलेंगे और इसको थोड़ा तीव्र गति से करेंगे, ऐसे पेट को नहीं फुलाएंगे, केवल डायफ्राम हो रहा है, ऊपरी हिस्सा, छाती वाला हिस्सा। गांव का ढेर नली को साफ किए लेकिन आज श्वास नली की सफाई कर रहे हैं। जिंदगी में कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, जिंदगी में कभी किसी को लकवा नहीं मारेगा, आप यदि नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो। सर्दी की बीमारी, जुकाम की समस्या, मार मत, एक पेटाड़ियों का काट दो।